हेलो एवरीवन दिस इज़ क्लास फाइव मॉरल साइंस चैप्टर नंबर फोर्टीन द सेसमी स्कॉलर सेसमी का मतलब होता है तिल एंड स्कॉलर मतलब ज्ञानी या विद्यवान वैल्यू ऑफ द चैप्टर इज प्रैक्टिस परफेक्शन यानी सबसे अच्छे बनने की कोशिश

इन आवर्स का मतलब है घंटों की प्रैक्टिस या कोशिश करनी पड़ेगी उन चीज़ों को सीखने के लिए प्रैक्टिस इज़ द क्वालिटी दैट प्रिपेयर वन फॉर ऑल अदर क्वालिटीज़ प्रैक्टिस या कोशिश करना एक ऐसी खूबी है जो बाकी सारी खूबियों के लिए आपको तैयार करती है

इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं या वो काफ़ी डिफ़िकल्ट या कठिन है प्रैक्टिस दोज स्किल्स एंड यू विल एक्वायर परफेक्शन आपको बस कोशिश करनी है उन स्किल्स यानी कौशल को सीखने की और फिर आप परफेक्शन यानी सबसे अच्छे सर्वोत्तम चीजों को सीख लेंगे देयर वॉज वंस अ ब्राह्मण बॉय ही was वेरी fond ऑफ studying संस्कृत एक ब्राह्मण लड़का था उसे संस्कृत पढ़ने का बड़ा शौक था Fond ऑफ यानी पसंद होना बट he डिड नॉट हैव अ गुड मेमोरी लेकिन उसकी याददाश्त अच्छी नहीं थी ही कुड नॉट मेमोराइज़ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ संस्कृत वो संस्कृत के कठिन शब्दों को मेमोराइज़ नहीं कर पाता था यानी याद नहीं रख पाता था ही वुड ट्राई लर्निंग दैम बट सोन ही वुड फोगेट वो बहुत कोशिश करता था उन वर्ड्स को याद करने की पर फिर वो भूल जाता था ही वॉन्टेड टू मास्टर द सब्जेक्ट एंड रीड ऑल द एंशंट स्क्रिप्चर्स एंड एकवायर विजडम मास्टर का मतलब होता है परफेक्शन यानि फिर से वही बहुत अच्छे से सीखना तो वो संस्कृत सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पूरी तरह से समझना चाहता था और एंशंट स्क्रिप्चर्स यानि पुराने शास्त्रों को पढ़ कर उनसे वो अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहता था बुद्धिमान बनना चाहता था सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग विच वुड हेल्प हिम मास्टर द लैंग्वेज तो उसने एक निर्णय लिया क्या डिसाइड किया कि वो अपने लैंग्वेज में मास्टर करेगा यानी पूरी तरह से उसे सीखेगा और देखते हैं उसने ऐसा कैसे किया One day he filled a large bowl with sesame seeds. एक दिन उसने एक बड़े से कटोरे में तिल के दाने डाल दिए Next to this he placed an empty earthen bowl. उसके पास में ही उसने एक और कटोरा एक खाली मिट्टी का कटोरा रखा Each time he learnt a Sanskrit word, he would put a sesame seed इन द अर्थ इन बॉल अब हर बार जैसे ही वो संस्कृत के एक शब्द को याद करता वो तिल के एक दाने को उस मिट्टी के कटोरे में रख देता ही रिपीटेड the एंड प्लेस्ड placed सीड इन द the earthen बॉल अगली बार फिर से उसे वो रिपीट करता उस शब्द को और एक तिल का दाना फिर से उस मिट्टी के कटोरे में रख देता इन दिस वे फिल दर्थ एंड बॉल रिपीटिंग द सेम संस्कृत वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन इस तरह वो एक ही शब्द को बार बार दोहराकर मिट्टी के कटोरे में तिल के दाने को डालता जाता ही देन एम टी द अर्थ इन बॉल फिल्ड विथ से सीड्स बैक टू द लार्ज बॉल एंड बिगेन रिपीटिंग अनद वर्ल्ड इस तरह से वो उस खाली मिट्टी के कटोरे में जितने भी बड़े वाले कटोरे में सेमी सीड्स या तिल के दाने थे उन सब को भरता गया हर बार जितनी बार वो याद करता एक ही शब्द को वो बार बार उतने तिल के दाने इस कटोरे में रखता जाता दिस वॉज हिज डेली रूटीन अब ये उसके रोज का दिनचर्या बन गया यानी हर दिन वो एक ही काम करता एक शब्द को बार बार याद करता और जितनी बार भी वो उस शब्द को याद करता उतनी बार वो तिल के दाने को एक कटोरे से दूसरे कटोरे में डालता जाता जब तक कि पहला वाला कटोरा पूरी तरह से खाली ना हो जाए आफ्टर सम मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस ही बिकेम अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर और इस तरह से कोशिश या अभ्यास करते करते कुछ महीनों बाद वो एक बहुत ही महान संस्कृत का ज्ञाता बन गया

ही वु डिफीट अदर्स इन डिबेट्स ऑन द स्क्रिप्चर्स अब ऐसा वक्त आ गया था कि स्क्रिप्चर्स यानि शास्त्रों से रिलेटेड अगर कोई भी डिबेट हो जब भी कोई बहस हो उसमें वो दूसरों को बड़े ही आसानी से डिफीट यानि हरा देता था वेनवर अ स्कॉलर फ्रॉम अनदर प्लेस केम टू अ डिबेट टू द विलेज द पीपल ऑलवेज सेलेक्टेड द ब्राह्मण बॉय टू स्पीक फॉर एम अब जब भी दूसरे किसी गाँव से कोई स्कॉलर यानी कोई महान व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ आता डिबेट करने के लिए तो यहाँ के लोग ब्राह्मण बॉय को ही चुन लेते थे जवाब देने देन यू ही वुड विन द डिबेट क्योंकि उन सबको पता था ये ब्राह्मण बॉय ही डिबेट को जीतेगा थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन ही हैड गेन्ड परफेक्शन ओवर द सब्जेक्ट अपने लगातार कोशिश अभ्यास और डेडिकेशन यानी लगन के साथ उसने इस सब्जेक्ट में यानी संस्कृत में परफेक्शन हासिल कर लिया सर्वोत्तम बन गया परफेक्ट का मतलब होता है जिससे बेहतर और कोई भी ना हो रिफ्लेक्शंस प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड इट मींस रिपीटिंग एन एक्टिविटी प्रैक्टिस का मतलब है ट्रेनिंग किसी चीज को सीखना और एक ही एक्टिविटी यानी एक ही काम को बार बार करना कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस शार्पन्स टैलेंट्स लगातार कोशिश करने से टैलेंट या खूबियाँ निखरती हैं शार्पन यानी तेज होना प्रैक्टिस मेक्स वन फील एंड अंडरस्टैंड द सेम आइडिया और थिंग अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस हमें किसी भी चीज को या किसी आइडिया को बार बार महसूस करने या समझने में मदद करती है प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रैक्टिस प्रमोट्स परफेक्ट परफॉर्मेंस प्रॉपर प्लानिंग एक अच्छी प्लानिंग और लगातार प्रैक्टिस करने से परफॉर्मेंस में परफेक्शन आता है सबसे अच्छा हो जाता है सो दिस चैप्टर टीचर्स हाउ वी कैन बी परफेक्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटी हम कैसे किसी भी चीज़ में माहिर बन सकते हैं सबसे बेहतर बन सकते हैं